हेलो एवरीवन आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू जीनोम इंडिया इनिशिएटिव 10,000 ह्यूमन जीनोम्स सीक्वेंसड इन इंडिया ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है ये गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे अनाउंस किया गया था 2003 में ट्यूजडे को रिसेंटली इसे कंप्लीट किया गया है जिसमें डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री से लिए गए हैं ह्यूमन जिनॉब्स लगभग नाइन्टी डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन से और इस अकम्पलिशमेंट के जरिए हमारे लिए आगे चलकर इमेंस पोटेंशियल आता है फॉर रिसर्चर्स इस प्रोजेक्ट की बात करें तो पहली बार मैंने जैसे बताया इसकी शुरुआत हुई थी इसे अनाउंस किया गया था 2003 में और इसे 13 साल में पूरा किया गया एट द कॉस्ट ऑफ थ्री बिलियन डॉलर्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है और बहुत ही ज्यादा चेंजेस और कलेक्शन हमने इसके अंदर अचीव किया है एनालिसिस की माने तो लगभग 5,750 जीनोम्स के ज़रिए ही हमने लगभग 135 मिलियन जेनेटिक वेरिएंट्स ढूंढ लिए हैं भारत में और ये ऐसा पाया गया है कि कुछ सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलती है और कुछ लार्ज पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन में इस तरीके का जो ये डेटा है ये हमें हेल्प करेगा फिजिकल ट्रेड्स को समझने में डिजीज हिस्ट्री को समझने में और ये भी समझने में कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट

एक तरीके से आप मान सकते हैं दैट इट इज़ ऑल द जेनेटिक मैटर इन एन ऑर्गेनिज्म और इसे डिफाइन कर सकते हैं हम एज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स हर एक जीनोम में सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी हमें ज़रूरत है टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस अ कॉपी ऑफ द एंटायर जिनोम दैट इज मोर देन 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स इज कंटेंट इन ऑल सेंस दैट हैव अ न्यूक्लियस हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज खानविलकर इस न्यू लोकपाल चेयरपर्सन तो जानते हैं लोकपाल के बारे में आज हम पहले जानते हैं कि किस तरीके से इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सिंह जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे नाइनटीन सिक्सटीज़ के दौरान उन्होंने पहली बार इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हमें एक ऐसे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है बाद में डॉक्टर एल एम सिंघवी ने इस टर्म को दिया जन्म लोकपाल एंड इन 1963 और 1966 में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पास हुआ और इसकी रिकमेंडेशन में था कि दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ बनाई जाएँ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल इन रिकमेंडेशन के बाद लोकपाल बिल जो है वो पास किया गया लोकसभा में लेकिन लैप्स हो गया बिकॉज ऑफ द डाइसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और तब से बार बार बहुत बार ऐसे प्रयास किए गए लेकिन कभी भी ये बिल पास नहीं हो पाया 2002 में नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ़ द वर्किंग ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकमेंड किया कि लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाए 2005 में सेकेंड एआरसी कमीशन ने भी इसे रिकमेंड किया फिर से अन्ना हज़ारे मूवमेंट जिसको हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं उन्होंने इसको दोबारा 2011 में अपनी डिमांड के जरिए जताया और एज अ रिज़ल्ट 2013 में इस बिल को इंट्रोड्यूस करके पास किया गया एंड इट बिकेम अ लॉ इन टू इसके की प्रोविजंस की बात करें तो सिलेक्शन कमिटीज की जो होती है उसमें शामिल है प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन स्पीकर ऑफ द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड वन एमिनेंट जोरिस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जो की बात करें तो इसमें शामिल है पी मिनिस्टर्स एम एंड ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉम्पोजिशन में इसमें आते हैं चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ एट मेंबर्स जिसमें हाफ ऑफ देम जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड फिफ्टी ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू एस सी एस टी एंड ओ बी सी एंड माइनॉरिटीज एंड वुमेन सुप्रीटेंडेंस की बात करें तो इसके पास जो पावर्स हैं वो है टू डायरेक्ट एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग सी बी आई फॉर केसेज रेफर टू इट बाई द लोकपाल एफ सी आर ए जो हमारा फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दो हज़ार दस है उसकी भी जो इनके पास आती है एक्ट में साथ ही साथ ये भी प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए जाएंगे वाया स्टेट लेजिस्लेशन विद इन 365 डेज ऑफ द एक्ट कमिंग इनटू इफेक्ट हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है होमोसेप एटम इंडिया का पहला ऐसा सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग रोबोट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है होमोसेप एटम जिसको डेवलप किया है स्टार्टअप सोलिनास ने इनक्यूबेटेड एट द डीएससी टी ऑफ आई मद्रास और ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है फॉर द सैनिटेशन प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए हम एल्यूमिनेट कर पाएंगे मैनुअल स्कैजिंग को बाय इम्प्लॉइंग रोबोटिक क्लीनिंग मेथड्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड प्रमोटिंग सिवर सैनिटेशन इसे डिप्लॉय किया गया है लगभग 16 शहरों में जो कि अपनी क्लीनिंग कैपेबिलिटीज के साथ हमें सफाई देगा और साथ ही साथ इसमें जो है इम्प्लॉय किया जाएगा ए आई फॉर द इंस्पेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कन्फाइंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज इश्यूज एंड ह्यूमन कंसर्न लाइक मैनुअल स्कै इन्हीं टेक्नोलॉजीज को जैसे एंडोबोट एंड स्वस्थ ए आई डिटेक्ट करेंगे और मिटिगेट करेंगे वाटर कंटेमिनेशन को पाइपलाइन डिफेक्ट्स को और कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत ही पॉजिटिवली टू वाटर एक्सेस एंड environmental सस्टेनेबिलिटी हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है रिलेटेड टू रायसेना डायलॉग नाइन्थ एडिशन अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया ऑन ट्वेंटी फर्स्ट फेब्ररी बाई पी एम नरेंद्र मोदी जो कि रिसेंटली हेल्ड हुआ है न्यू डेली में इसके बारे में बात की जाए तो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स जिसका एम है टू एड्रेस द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज फेस्ड बाई द वर्ल्ड ये हेल्ड होती है न्यू डेली में और इसे अटेंड करते हैं पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल, बिजनेस मीडिया एंड सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड्स। होस्ट की बात करें तो डेली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे होस्ट करते हैं इस साल के चीफ गेस्ट रहे मिस्टर क्रियार्स मित्सोकताकिस जो हैलनिक रिपब्लिक ग्रीस के हैं डायलॉग में इन्वॉल्व होते हैं हेड्स ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ज्वाइन बाई लीडर्स फ्राम द प्राइवेट सेक्टर मीडिया एंड एकेडमिया 2024 की थीम रही है चतुरांग कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट थैंक यू